अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। आज जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आप खुद ही सवाल कर उठेंगे और जवाब भी देंगे कि कम से कम इस तरह तो कोरोना पर काबू नहीं पाया जा सकेगा। राष्ट्रधर्म के चलते उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ अपने पिता के अंतिम दर्शन नहीं कर पाए, लेकिन सरकारी सिस्टम की लापरवाही थमने का नाम लेने को तैयार नहीं है। आज भारी दोपहर एक युवक स्वयं को कोरोना संक्रमित पाते हुए बाहर सड़क पर आ गया। सीएम हेल्पलाइन 112 पर 3 बार कोरोना हेल्पलाइन थाने को बता दिया, लेकिन उसे कवर करने कोई नहीं आया। फैंटम पर 2 सिपाही आए भी तो उन्होंने राय दी कि वह खुद ही या तो सुभारती चला जाए या फिर मेडिकल कॉलेज। 2 घंटे तक वह सड़क पर परेशान खड़ा इंतजार करता रहा, लेकिन मदद को कोई नहीं आया। यह वाकया मेरठ के कंकड़खेड़ा थाना क्षेत्र के डिफेंस एनक्लेव कॉलोनी का है। यहाँ रुचित उप सोनू रहता है। उसे करीब 11 बजे खुद में कोरोना संक्रमण का संदेह हुआ तो वह कॉलोनी के गेट पर खुद आ गया। उसने सीएम हेल्पलाइन के अलावा 112 पर 3 बार कोरोना हेल्पलाइन व कंकड़खेड़ा थाने को कई बार फोन किया, लेकिन कोई भी मदद नहीं मिली। करीब 2 घंटे धूप में खड़ा होकर इंतजार करने के दौरान एक फैंटम वहाँ आई। उन्होंने भी टेलीफोन घुमाए और शिकायत की कि यह युवक 2 घंटे से यहाँ खड़ा है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की कोई टीम नहीं आई है। एक वीडियो में इन पुलिसकर्मियों को यह कहते हुए भी सुना जा रहा है कि क्या वह खुद सुभारती अथवा मेडिकल कॉलेज जा सकता है। मदद की गुहार के 2 घंटे तक कोई सुविधा न मिलना और फिर पुलिस द्वारा खुद ही चले जाने की सलाह देना, यही साबित कर रहा है कि कम से कम इस तरह तो देश कोरोना पर नियंत्रण नहीं पाएगा। आइए देखते हैं। क्या नाम है भैया आपका? है जी, कितनी देर से खड़े हो? दो घंटे से सीएम हेल्पलाइन पे फोन कर दिया, 112 पे फोन कर दिया, 3 बार कोरोना हेल्पलाइन पे फोन कर दिया, थाने जाके इन्फॉर्म करके आ गया। अच्छा जी, दो घंटे से किसने रिसीव नहीं किया ऐसे ही रिस्पांस? ये भी सुबह दिन चले आओ, फिर मेडिकल चले जाओ। अगला बंदा घर जाना नहीं चाह रहा अपने। नहीं, सही, अच्छी बात है। ये गाड़ी नहीं आई, ये 2 घंटे हो गए इस बंदूक खड़े खड़े यहाँ पे। फोन करा जैसे हो, इसे फोन करा। इस खबर में आज इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नमस्कार।